गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आइडियलिज्म के बारे में बताऊंगा, जो ये एक फ़िलोसफी का टॉपिक है। चैप्टर वन हम करेंगे फ़िलोसफी का। आइडियलिज्म जो टॉपिक है आपका, उसको लिया है हमने, तो इसमें हम आइडियलिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर अप करेंगे। मेरे पास नोट्स फॉर्म में ही ये अभी मैंने थोड़े से बनाया है, मेरे को एक बुक में मिल गए थे तो नोट्स फॉर्म में ही पड़े हुए हैं। तो अभी आप इसको देख लीजिए नोट्स को, कि काफ़ी इसमें से क्वेश्चन जो है अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आइडियलिज्म में हमारे को जो अचीव करना होता है लाइफ में, अचीवमेंट करनी होती है, अपने वर्ल्ड को जानने के लिए स्पिरिचुअल होना पड़ता है। उसी तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसको जानना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपकी सारी की सारी जो आदर्शवाद की भावनाएं हैं वो सारी की सारी किस में आएगी? आइडियलिज्म में आएगी। तो यहाँ पर कुछ रिलेटेड साइंटिस्ट लिखे हैं मैंने आइडियलिज्म से, जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, एमके गांधी, स्वामी विवेकानंद, फ्रॉबेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, राधाकृष्णन, डेस्क्रेट्स, कांत, शंकराचार्य, ये दीज आर द आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स। सो इनके नाम आपको याद रखना है। जैसे सोक्रेट्स कोई भी पूछ ले आपसे, जैसे कांत पूछ लेते हैं कि कांत किस तरह के हैं, आदर्शवादी है या फिर आइडियलिज्म है या फिर रियलिज्म है, तो ये आपके आइडियलिज्म है। तो देखिए, आइडियलिज्म जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। जो एल है वो दोनों रिहम्स को मिलाने के लिए यूज़ किया गया है वहाँ पे। तो फर्स्ट जो है प्लेटो था जिसने आइडियलिज्म के ऊपर वर्क किया और इसने एक स्पिरिचुअल वर्ड दिया। स्पिरिचुअल वर्ड यानी कि ये आइडियलिज्म जो है एक स्पिरिचुअल वर्ड है, यानी कि जिस चीज़ को हमें अचीव करना है लाइफ में, जिस परफेक्शन को हमें अचीव करना है, जो हमारे को चाहिए लाइफ में, वो चीज़ है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ उसके जो है आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ एम्स होंगे, कुछ क्यूरिकुलम होगा, कुछ मेथड्स होंगे टीचिंग के, ठीक है। टीचर से रिलेटेड बात करेंगे, इंडिया आइडियल से रिलेटेड बात करेंगे, स्कूल से रिलेटेड बात करेंगे, कंक्लूड से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको साइंटिस्ट फिलोसफर्स बताए काफ़ी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखिए इसके। आइडियलिज्म इंसिस्ट्स टू अचीव गॉड, स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नेसेसरी। आपको क्या चाहिए? आपको जो गॉड की अचीवमेंट चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ आपको चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपको जो इतना भी वर्ल्ड में घटित होता है उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको समझना है, उसकी विचारधारा को अपनाना है। तो यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में। थर्ड देखिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल, वैल्यूज़ आर प्री डिटरमाइंड। जितनी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, वो आपकी सुप्रीम है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि टीचर एक सुप्रीम लीडर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ वर्ल्ड में घट रही हैं वो आपकी सुप्रीम वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, एकता में बल है, तो वो आपका आइडियलिज्म है, एक आइडियलिज्म है, ठीक है, जिसको आप मानते हैं, आदर्शवादी, एक आइडियल है आपके वो। जैसे स्वामी विवेकानंद को हम बोलते हैं कि ये हमारे आइडियल हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आइडियलिज्म हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म जो है एक कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है। क्या है? कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारे आदर्श हैं, वो हमारी भावनाएं हैं हमारी, ठीक है। इट इज़ अ मोनिस्टिक कंसेप्ट, ये एक ही तरह का कंसेप्ट है, मानवतावादी कंसेप्ट, आदर्शवादी कंसेप्ट, सारा का सारा ये आदर्शों से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो हमें अचीव करने हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, जो प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म है, ये जो मेन क्राइटेरिया निकल जाता है वो आ जाता है आपका सत्यम शिवम सुंदरम पे। सत्यम शिवम सुंदरम जो है आपका आइडियलिज्म ही एक तरह से है, ठीक है। जो और आदर्शवादी, जैसे हम जो है फॉरेन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें, हम बोलते हैं वहाँ जाके अतिथि देव भव, यानी कि हमारे आप हमारे गांव में, हमारे जो देश में वापस आएँ, ठीक है, हमारे देश में आएँ और वहाँ जाके वर्क वहाँ पे आकर वर्क करें। तो ये एक तरह से आइडियल ही है हमारा, आदर्श ही है हमारा। तो एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका, जो हमारी एजुकेशन है वो बेस्ड होनी चाहिए स्पिरिचुअल व्यूज़ पे, ठीक है। तो दूसरा आइडियलिज्म का प्रिंसिपल है,
इट एम्फेसाइजेज मेंटल कैपेसिटीज, मेंटल कैपेसिटीज को बढ़ाता है, यानी कि आपके विचारों को, संज्ञान को, विचारों को बढ़ाता है ये, ठीक है, अगर इस तरह की हमारे को शिक्षा दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचर एंड क्यूरिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन एम्फेसिस बुक लर्निंग। तो जो इसमें टीचर है और जो क्यूरिकुलम है, आपका सिलेबस है, वो एजुकेशन का सेंटर पॉइंट होता है। आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में, आपका टीचर जो और क्यूरिकुलम है वो एजुकेशन का सेंटर पॉइंट होता है, और ये जो बुक लर्निंग की और आपको ले जाता है। फोर्थ पॉइंट है, बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि दोनों ही, इंडिविजुअल भी और सोसाइटी भी, दोनों को इसमें आदर्शवादी वैल्यू दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। ये एक तरह से डेफिनेट आइडियोलॉजी है और स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है। सत्यम शिवम सुंदरम को ये योगदान देती है, और ये योगदान देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे किसके ऊपर बल देती है, टीचर और करिकुलम जो है इसमें सेंटर में होता है एजुकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम एम्स ऑफ एजुकेशन की देखते हैं, ठीक है। ये जो है हमारी आइडियलिज्म, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन और एक्साइटेशन को बढ़ाती है, पर्सनैलिटी को अच्छा करती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती है, हमारे आदर्शों का विकास करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, हमारे को ट्रूथ से, ट्रूथ के बारे में सच्चाई बताती है, गुडनेस के बारे में सच्चाई बताती है, हमारे को हमारे अंदर ब्यूटी लेकर आती है, अच्छे विचार लेकर आती है, और कंजर्व करके रखती है हमारे विचारों को, हमारे कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करके रखती है और ट्रांसमिट करती रहे उसको। तो एम्स हो गए आपके कंजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, ठीक है। और उसी तरह से ट्रुथ से हमारे को अवगत कराना है तो उसकी और भी आइडियलिज्म जाता है, ठीक है। तो ये आप एम्स हैं यहाँ पर। क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम जो है आपका इस किस तरह के, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तीन मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इंटेलेक्चुअल जो लैंग्वेज है आपको पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों में, जैसे लिटरेचर पढ़ाया जाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ाई जानी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, साइंस पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एस्थेटिक जो काम होते हैं जैसे आर्ट एंड पोएट्री वगैरह, इनको जो है योगदान, मतलब इस और भी बच्चे को जाना चाहिए। मॉरल्स क्या है आपके, जैसे आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स है या फिर इथिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनकी और भी बढ़ावा देना चाहिए। तो मॉरल्स भी इसके सही हैं। क्यूरिकुलम में आपके शुरू के दो पॉइंट्स हैं, आइडियलिस्टिक क्यूरिकुलम इज़ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इंटरनल वैल्यूज़। जो आइडियलिस्टिक क्यूरिकुलम है, आदर्शवादी क्यूरिकुलम है, वो तभी डेवलप होगा जब आप खुद आदर्शवादी होंगे, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स आर एम्फसाइज्ड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इतना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछ जाते हैं, जैसे किसी से क्वेश्चन आंसर करना, ये सोक्रेट्स ने दिया था, कन्वर्जेशन करना किसी से, डायलॉग करना, लेक्चर करना, आर्ग्यूमेंटेशन करना, इंटरसेक्शन करना, बुक स्टडी करना, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जो है खेल पद्धति फ्रॉबेल द्वारा दी गई थी। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग ये थे आपके। उसी तरह से टीचर जो है एक तरह से सुप्रीम लीडर होता है, यानी कि इसमें टीचर को केंद्र में रख कर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। और उसी तरह से फ्रॉबेल ने टीचर के लिए बोला है, द टीचर एज अ गार्डनर नोन बेस्ट एज टू हाउ टू केयर डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट। तो यहाँ पर जो है टीचर एक गार्डनर की तरह है, और वो भली भांति जाता है कि चाइल्ड में, बच्चे में कैसे विकास करना है, उसकी कैसे डेवलपमेंट करनी है, उसका कैसे केयर करना है, जैसे कि प्लांट को करते हैं, ठीक है। जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स में आपको बच्चे को फ्रीडम देना पड़ेगा, ठीक है, उसको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये दो आइडियल्स हैं उसके। उसी तरह से स्कूल जो है वो एक स्कूल, रेगुलर स्कूल होना चाहिए बच्चे का, ये एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए। और तीसरा, जॉयफुल एक्टिविटीज़ जो है स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन मार पिटाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो ये आइडियलिस्टिक में कहा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं थोड़ा सा। कंक्लूजन क्या है कि मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए, जो इंटरनल वैल्यूज़ होती है उसमें बिलीव होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए टीचर को, और साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड होने चाहिए, यानी कि आपके मानसिक तौर पर भी उसका असर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब माइंड आपका थोड़ा पता लगना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमने आइडियलिज्म के बारे में टॉपिक जो है वो किया है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा।
ये फिलॉसफी जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी आपका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे HPTET, क्योंकि वहाँ पर पूछ जाते हैं इस तरह से क्वेश्चंस, और HPTET, ठीक है, कोई भी टेट दे रहा है, कोई भी स्टेट का टेट दे रहा है आप, वो उसमें पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।